चंदन कुमार यादव जी से, वो अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न पार्टी के व्यक्ति हैं, सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस विषय पर मैं सिर्फ सुनील कुमार विद्यार्थी जी का ही नाम देना उचित समझता हूँ, इसलिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम के में जिन्होंने हमें आमंत्रित किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का मौका दिया है जिनके लिए आज हम खुद में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम विषय की ओर ही चलते हैं, हम 50 बोरा सीमेंट जब भी आयोजन समिति चाहे, जिस दिन चाहे ले ले, हमारा नंबर ब्रह्मचारी जी के पास है और आयोजन समिति के पास भी है, जिस दिन बोलेंगे उसी दिन आएगा, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा दादी घर, नानी घर और मौसी घर यही तीनों इसी पंचायत में है, इसलिए हम तो भाई आप लोगों से भाग नहीं सकते। और विशेष और भी कई एक वक्तागण हैं, उन लोगों से मेरी विनती होगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसे ही व्यक्तियों के चलते आज हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं। आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और आयोजन समिति ने अगर सोचा होगा कि 5 लाख का गेट बने तो वो 15 लाख का गेट बने, ये आप ही लोग के सहयोग से संभव होगा। सरकार का इस तरह का कोई योजना नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो हम लोग सरकार के भरोसे भी नहीं है। जनता जागरूक है और अपने बलिदान और शहादत दिए बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप सबों से मेरा आग्रह होगा, और सरकार की कुछ योजनाएं उस द्वार स्थल के इर्द गिर्द अगर सरकारी भूमि होगी तो मैं वहां लगवाने का प्रयास करूंगा, और यकीनन द्वार पूर्ण होने से पहले मैं उन योजनाओं को पूर्ण कराने का काम करूंगा। इसके लिए आप सभी की सहयोग की अपेक्षा होगी, जहां जरूरत होगा मैं आयोजन समिति से भी सहयोग लेने का काम करूंगा, क्योंकि हमें वहां पे सरकार, बिहार सरकार की जमीन की थोड़ी बहुत आवश्यकता होगी। वहां पे एक ऐसा माहौल बने द्वार के आसपास कि लोग वहां पे रुके, इनके विषय में चर्चा करें, इनके विषय में जाने, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे सपूत ने अपने शहादत दिया। इनके विषय की चर्चा राज्य स्तर पर होनी ही चाहिए, जो इस रास्ते से गुजरे उनको वो गेट नजर आने चाहिए, इतना भव्य गेट बने। और भी आवश्यकता होगी तो हमको सूचित कीजिएगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी द्वार आज के दृष्टिकोण को देख करके मत बनाइए कि ये रास्ता इतना चौड़ा है, ये मेरा सुझाव है कि वो रोड इतना चौड़ा है तो गेट इतना ही चौड़ा बनाइए। गेट इतना बड़ा बनाइए कि भविष्य में उस गेट को रोड का अगर चौड़ीकरण हो तो उसका कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखे, भारी वाहन भी उससे आ जा सके, ये मेरा सुझाव होगा। और वो इतनी मजबूत हो कि सदियों तक चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।